बेरोजगारी कम करने के उपाय, तो यहाँ पे जो है हमें बेरोजगारी की हम जो है कम करने के उपाय कौन कौन से हैं उसके विषय में बताया गया है। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही सगे बहन हैं, दोनों के बीच सह संबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष रूप से है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, कि लोगों को जो है यहाँ पे शिक्षा में अधिक जो है यहाँ पे रुचि नहीं होती है। सामाजिक और मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताश में धकेला जाना, यदि वे लंबे समय तक के बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेरा फेरी, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। वर्ग भेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थों का अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार और अर्थतंत्र पर सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि बेरोजगारी की समस्या जो है यह हमारे आयोजन के सबसे कमजोर कड़ी है। बेरोजगारी और गरीबी जो है दोनों ही जो है मुख्य रूप से आर्थिक समस्या के रूप में हमारे देश में जानी जाती है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो इस चुनौती के जो है यहाँ पे इसका प्रभाव जो है विशेषकर जो है युवा शिक्षित वर्ग पर होता है, कि उन लोगों को जो है शिक्षा में इतनी रुचि नहीं होती। सामाजिक और जो मानसिक स्थिति होती है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है उन्हें रोजगार नहीं प्राप्त होने की वजह से जो है हताश होना, और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक जो है बेरोजगार रहे तो वह युवा जो है असामाजिक अनैतिक जो प्रवृत्तियाँ होती है उनमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का हेरा फेरी करना, गैरकानूनी व्यवसाय करना, उसके बाद चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कार्य करने के लिए जो है वे लोग प्रेरित होते हैं, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। जैसे कि वर्गभेद सर्जित होना, उसके बाद जो है लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरता है। बेकारी के साथ जो है मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे जो है नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। तो इस तरह से जो है बेरोजगारी की वजह से किसी एक व्यक्ति पर, उसके परिवार पर, समाज पर और देश पर जो है इसका गहरा असर होता है। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया, उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार है। भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योग सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र भी शुरू किए है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर जो है सिद्ध करने का यहाँ पे कदम उठाया गया है, जिसमें कि जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा को बढ़ाई गई है, जिससे कि रोजगारी के अवसर लोगों को प्राप्त हो सके। अर्थतंत्र में जो है कृषि सहित और भी जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग वगैरह, उन सभी के विकास के लिए जो है कार्य किए जाते हैं। और उसके बाद में हमें बताया कि सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का जो है यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र वगैरह भी शुरू किए है। श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्राम उद्योग, हस्तबुनाई कारीगरों से संकलित हुनर उद्योगों के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन पूर्वक नीतियां भी लागू की गई है, कि जैसे छोटे बड़े उद्योग वगैरह जो शुरू होंगे तो यहाँ पे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, और जो युवा है उनमें जो है यहाँ पे इन योजनाओं के लिए वगैरह जो है प्रोत्साहन भी होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे योजनाओं वगैरह को अमल में लाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशय, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियों, कृषि में संलग्न प्रवृत्तियां, मुर्गा, बतख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण
क्षेत्र में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को बेरोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है, इसके लिए रोजगार लक्षी आयोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी हटाने के लिए जो है एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति वगैरह विकसित करना चाहिए। जमीन जुताई के अधीन लाना चाहिए। प्रत्येक खेत को पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, नहरें, ट्यूबवेल वगैरह करना चाहिए। और कुछ प्रवृत्तियों में जो है लोगों को जोड़ना चाहिए, कृषि प्रवृत्तियाँ वगैरह जो है, मत्स्य पालन, बतख पालन, डेयरी उद्योग वगैरह जो है, जिससे कि रोजगार के अवसर प्रदान कराए जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त हो। तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रिय पदार्थ आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियों फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता की मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे कि वह जो है उन्हें जो लोग शहरों की तरफ रोजगार प्रदान करने के लिए जाते हैं जिस उस बात को जो है यहाँ पे उस पर से वह जो है यहाँ पे दबाव घटाया जा सके कि यहाँ पे गांव में भी जो है लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। कृषि क्षेत्र में जो है बागायती खेती होनी चाहिए, सेंद्रिय खाद आधारित कृषि जो होती है वह होनी चाहिए, शुष्क कृषि वगैरह और फलों की खेती के तरफ जो है अधिक बल देना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों में जो है शिक्षा की मात्रा बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उसके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि करके, जल संचय इनकी प्रवृत्तियाँ, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणामात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए जो है पीने के शुद्ध पानी की, पौष्टिक आहार की, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट वगैरह की सेवाएं और जो सुविधा है वह सभी जो है यहाँ पे प्रदान करवानी चाहिए जिससे कि जो है रोजगारी के कुछ जो है यहाँ पे कार्यक्रम, योजनाएँ वगैरह भी अमल में लाई जा सके और युवाओं को जो है रोजगार प्राप्त हो सके। और यहाँ पे जो है ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणामात्मक सुधार लाने का जो है यह मुख्य उद्देश्य भी रखा गया है। शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी की कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो, ऐसी व्यवसाय लक्षी तकनीक शिक्षा में नीति अपनानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना और युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊँचा उठे, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहे ऐसा आश्वासन भी देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार जानकारी प्राप्त करें, उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगार प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में वगैरह जो है यहाँ पे उनके जो है यहाँ पे स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं वगैरह को जो है जिसमें जुड़ सके ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण वगैरह देना चाहिए जिससे कि जो है यहाँ पे लोगों को रोजगारी प्राप्त हो, उत्पादकता के साथ जो है गुणवत्ता भी बढ़े, जिसमें कि जो है लोगों को अगर कौशल होगा, उसके विषय में प्रशिक्षण और शिक्षण वगैरह होगा तो उनका जीवन स्तर वगैरह जो है ऊँचा उठेगा। तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे लगातार कार्य मिलता रहे ऐसा उन्हें आश्वासन वगैरह देना चाहिए और रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रम तुलना में जो है भारतीय युवा जो है समकक्ष खड़े हो सके ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करनी चाहिए। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के और राज्य सरकार के युवा बेरोजगारों और औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी गई है और
टेक्निकल संस्था, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की स्थापना देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवा कर विद्यालय और कॉलेज में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक IIT और IIM जैसे उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत सरकार में जो है श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार में जो है युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ जो है उन्हें ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्यक्षमता में वृद्धि हो इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा जो है उन्हें कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी जो है यहाँ पे कुछ योजनाएं अमल में रखी गई है, जिसके लिए टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी की स्थापना वगैरह जो है की गई है, जिसमें कि लोगों को जो है यहाँ पे जानकारी वगैरह दी जाती है, उन्हें जो है शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रत्येक राज्य में जो है IIT और IIM जैसी कुछ जो है उच्च संस्थाएँ स्थापित अभी वर्तमान में की जा रही है। श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्म क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा के व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग एंड द मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर है। इससे इन क्षेत्रों में अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। उसके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया गया है, जिसके माध्यमों से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्यक्ष तालीमी पाठ्यक्रमों जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एयर रिपेयरिंग कोर्स और शुरू किए गए हैं। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मार्किंग, इन क्षेत्रों में नए कोर्स को प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को द्वारा तैयार किया जा रहा है, तथा नए धंधे उद्योगों शुरू करने के लिए उद्योग साहसिकों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए गए हैं। स्थानीय लोगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है, जिससे कि स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो सके। ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने ऐसे वातावरण सर्जित करना चाहिए और योग्य सुदृढ़ ढांचा तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि श्रम शक्ति के आयोजन के द्वारा जो है सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र भी खोल दिए हैं, जिसमें कि जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्म क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट और पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर मार्केटिंग आदि वगैरह जो इन सब के लिए इन सब क्षेत्रों में जो है कई प्रकार के जो है यहाँ पे रोजगारी के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुरूप जो है यहाँ पे प्रशिक्षण में जो है बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है और जो है यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में इनको शामिल किया गया है, कि जिससे जो है भविष्य में जो युवा वगैरह है वे इसमें जुड़ सके और जो है रोजगार प्राप्त कर सके। तो इस तरह कई प्रकार के कोर्सों का जो है इसमें समावेश किया गया है। उद्योगों संबंधी विकसित हो, नए रोजगार के अवसर सज्जित हो, इसके लिए नए उद्योग व्यापार की शुरुआत हो, यह आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, कुशल संगठन शक्ति के साथ पूंजी निवेश जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चा माल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज, ऋण की सुविधाएं, बिक्री के लिए सहायता जैसी अनेक स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। धंधा शुरू करने और काम चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने के कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ती सरल लोन की सुविधाएं और स्थानीय व्यापारी संगठनों और सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृह उद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है।
इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकलकर परिवार के सदस्य की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए नए व्यापार धंधे उद्योग क्षेत्र में क्षितिजों का विस्तार किया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उद्योग संबंधित विकास सिद्ध हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उसके लिए जो है यहाँ पे सरकार ने कई क्षेत्रों में पूंजी निवेश वगैरह किया है, और जो है यहाँ पे संगठन शक्ति, कुशलता, साहसिकता बढ़े है, इसके लिए पूंजी निवेश जो है वह भी आवश्यक है। तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे अपना खुद का जो है यहाँ पे जो बिजनेस वगैरह धंधा वगैरह जो है वह शुरू कर सके, इसीलिए जो है सरकार द्वारा जो है कम ऋण पर कम जो है उन्हें यहाँ पे लोन वगैरह सरल प्रकार से लोन वगैरह जो है वह सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है, और धंधा चालू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता वगैरह जो है यह सभी सरकारी सहायता देने के अधीन हुआ है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है। रोजगार विनिमय केंद्र रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों, श्रमिक मजदूरों या शिक्षित कुशल अर्ध कुशल युवाओं को काम देने वाले मालिकों को जोड़ने की कड़ी रूप कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रोजगार विनिमय केंद्र जो है यह रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों के लिए, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल या अर्ध कुशल युवाओं को काम देने वाली जो है एक कड़ी रूप यह कार्य करता है। यह संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान प्रकार के विश्वसनीयता की जानकारी देता है, कार्यक्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन होता है। ये केंद्र रोजगार कारकिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिक द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। मॉडल करियर सेंटर द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800425-1514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रोजगार विनिमय केंद्र रोजगार खोलने वाले व्यक्तियों, श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित अर्धकुशल लोगों के लिए जो है कड़ी रूप कार्य करता है। यह संस्था जो है शिक्षित बेरोजगारों को जो है नामांकित करके उनको जो है इस प्रकार की विश्वसनीयता की जानकारी देता है और कार्यक्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केंद्र जो है रोजगार कारकिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिक पत्रकों में जो है इसकी जानकारी दी जाती है। मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसमें कि जो है लोगों को जानकारी, उनको रोजगार मेला आयोजित वगैरह की जो है मुक्त सेवा दी गई है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि दिसंबर 2015 तक जो है देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें जो है दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में जो है 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए हैं।